एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए। नारद जी कहाँ कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्यम पुत्र मिच्छर महामना संतोष कारिकम, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी सारा संसार, एक बार नारद जी आ गए आपके यहाँ, वृंदावन भी आए और हैदराबाद भी गए। नारद जी काहे को गए? शांति देखने गए। शांति कहाँ है? आपके घरों में शांति है मैया जी? है? एक मैया बोली, गुरु जी जब से हमने कथा सुननी शुरू की तब से बहुत शांति है। हमने कहा कथा शांति ही देती है, भागवत जी चित्त को शांत करती है, हृदय को शुद्ध करती है और घर में शांति का वातावरण उत्पन्न करने वाली भागवत जी हैं। नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। क्या नजर आया फिर? बोले तरुणी प्रभु तागे है, घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासु माँ की कोई पूछ ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं या हम नहीं कह रहे हैं? नारद जी कहते हैं सासू माँ की कोई पूछ नहीं है। अच्छा सासू माँ की पूछ है कि नहीं? मैया आपकी पूछ है? हनुमान जी की तो पूछ थी, आपकी है कि नहीं? राम जाने है पूछ है? सारा झगड़ा इस पूछ का ही है। महाराज जी हमें पूछा नहीं, महाराज जी हमें बैठने को भी नहीं पूछा, महाराज जी हमें चाय को भी नहीं पूछा। झगड़ा किस बात का है? बहू कहती है सास ने फटी साड़ी को नहीं पूछा, तो सास कहती है तुमने कब पूछा हम सिखाने को? सारे घरों में झगड़ा किस बात का है? पूछ का। इसलिए हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी इस पूछ में आग लगवा के आए थे। जितने जल्दी हो सके आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ को जला दो, होली आ रही है, जला दो इस पूंछ को, नहीं तो ये पूंछ आपको जलाएगी। ये जो अहंकार की पूंछ है ना, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तुम काहे मरे जा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अपनी अहंकार की पूंछ को जलाकर भस्म कर दो तब शांति मिलेगी। कोई पूछे ना पूछे, मेरी माँ आप लोगों ने अपने चाबी दूसरों को दे रखी है, प्रॉब्लम यहां। आप बहिर्मुखी हो, देखना दो बातें हैं। एक व्यक्ति वो है जो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी किसे कहते हैं? जो बाहर ज्यादा देखता हो। एक व्यक्ति वो होता है जो अंतर्मुखी होता है। बाहिरमुखी वाला व्यक्ति ऐसा होता है, आपने हमें गाली दी हमें बुरा लग जाएगा, हमें फलाने ने गाली दी, ये बाहिरमुखी आदमी है। स्त्री और पुरुष दोनों को बोल रहा हूं, आप बाहिरमुखी हैं तो सास की बात बुरी लगेगी, बहू की, जेठानी की, देवरानी की, पड़ोसी की, पड़ोसन की, सबकी बात बुरी लग सकती है, हमें पूछा नहीं, क्योंकि आप बाहिरमुखी, आप बाहर के व्यवहार को देख रहे हैं। जबकि अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कौन है? जो बाहर से कोई मतलब ना रखे, जो अंदर में भगवान का चिंतन करता हुआ, सबको भगवान जानकर प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ता रहे, वह व्यक्ति अंतर्मुखी है, शांत चित्त। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हैं या आप हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति बहिर्मुखी है आज वो व्यक्ति बहुत दुखी है। हमारे साधु संत जो जंगल में जा जा के उल्टे लटके रहते हैं, भजन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को अंतर्मुखी ही तो बना रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ के जंगल जाएं तो अंतर्मुखी बने, आप पत्नी पति परिवार के बीच में रहकर अंतर्मुखी बनिए। सुदामा जी अंतर्मुखी थे, पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहते थे, मिल जाए तो खा लेते थे, नहीं मिले तो भूखे रह जाते थे, ना शिकायत करते थे ना किसी से झगड़ा करते थे, अंतर्मुखी। कोई गाली दे दे, चल भैया हमने कोई पाप किया होगा जिसका परिणाम हमें गाली के रूप में मिल गया, कोई दो थप्पड़ गाल पे जमा दे तो कोई बात नहीं, भैया हमने कोई पाप किया होगा तो थप्पड़ हमें दो पड़ गए, कोई बात नहीं, हम भगवान का चिंतन करने आए, हमें 100 साल तो जीना है, 100 साल में भी 20 साल निकाल दो, 10 साल तो कुछ समझ में नहीं आया, छोटे थे,
कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं था। 10 साल के बच्चे को भी ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता, माँ पहनाती है, चलो कपड़ा पहनना आ भी जाए तो उसके कोई बहुत अच्छा सांसारिक क्रियाएं नहीं आती। 10 साल वो निकाल दो और बाद के 90 साल के बाद जिंदा रह गए तो ना चलना आएगा ना खाना आएगा, तो 20 साल या 80 साल की एज बची। यदि 100 साल के हो तो 80 साल पकड़ के चले। ये 80 साल हमारे पास है, उसमें भी हमें 80 साल में 40 साल तो सोना है, पूरी रात सोता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो 40 साल सोना बचा कितना, 40 साल। और 40 साल में फिर नहाने का समय, खाने का समय, झगड़े का समय, निंदा चुगली का समय, ये सब निकालने के बाद तुम्हारे पास बचा कितना। और जो समय बचा है वो 25-30-40 साल बचा है, जो 30 साल बचा है उसमें भी तुम झगड़ा ही करोगे, उसमें भी तुम ये देखोगे कि ये हमारा सम्मान नहीं किया। अब अरे करने ना करे सम्मान, सुना करे चूल्हे में जाए, तुम्हारा क्या घुर गया, क्या कम पड़ गए तुम, वजन कम हो गया, तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ। तो ये मान अपमान सम्मान जब तक इनसे ऊपर नहीं उठते आप, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जिन जिन संतों ने, बताओ क्या मीराबाई का अपमान नहीं हुआ, क्या मीराबाई को राणा ने ये नहीं कहा कि तूने मेरा कुल बिगाड़ दिया। संतों के बाबाओं के बीच में जा जा के नाचती है, कहते थे इसने तो कुल का नाश कर दिया, बाबाओं के बीच में जाती है चरित्र बिगाड़ के आती है, क्या क्या ना कहा मीरा को, चरित्र से गिरी कहा, जहर पिलाया उसके ससुर ने, पर क्या हुआ मीराबाई, क्या अपमान में उलझी, बोलो। अब वो मीरा झगड़ा करती, लो मेरी सास मुझे तो चरित्रहीन कह रही है, आपको कोई जरा कह दे कि तुम जरा ऐसी हो वैसी हो तो आप झगड़ा करने लगोगी, आप वाद विवाद करने लगोगी, वाद विवाद में आपको नींद नहीं आएगी, समय वेस्ट होगा, जो समय भगवान के चिंतन में जाना चाहिए था वही समय अब बात और विवाद में जा रहा है, हाँ या ना। नुकसान किसका है, आप हमें गाली दे के आगे बढ़ जाएंगे पर हम रात भर सोचते रहेंगे फलाने ने गाली दी, आप तो आराम से सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं। मीरा को गालियां दी लोगों ने, जलील किया, पर मीरा ने जानती थी इनसे झगड़ा करके क्या करेंगे, इनके मुंह क्या लगेगा, वो इस मान अपमान से ऊपर उठ चुकी थी वो स्त्री, मान अपमान से, बोलो मेरी माँ, हाँ। तो आप लोग कब उठोगी, कब, डेट बताओ, आज उठ जाओगी, चलो अच्छा, आज उठ जाना, कोई गाली दे देने वाला चूल्हे में जाए, आपको क्या करना, बिल्कुल शांत चित्त से भगवान में ध्यान लगाओ। नरसिंह मेहता का चरित्र आपने कभी सुना या पढ़ा हो, नरसिंह मेहता का चरित्र सुना होगा, नरसिंह मेहता के भाई ने, भौजाई ने, भौजाई क्या बोलती थी, हट्टा कट्टा निठल्ला घर में पड़ा पड़ा खाता है, कुछ कमाता नहीं है, ये नरसिंह मेहता को उनकी भौजाई ने कहा था। अपमान किसे नहीं सहना पड़ा, क्या ध्रुव जी को अपमान नहीं, ध्रुव जी की माँ सुरुचि माँ हाथ पकड़ के समाज के बीच में गिरा दिया, जा तू इस गोद में, अपने बाप की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा। अब सोचो भरी सभा में आपको हाथ पकड़ के निकाल दिया जाए, क्या ये अपमान नहीं है। आप लोग यहाँ तो 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, उस सभा में लाखों लोग बैठे थे जहां ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे गिराया गया था, उनकी सौतेली माँ ने गिराया, पर धन्य है ध्रुव जी, उनकी माँ के पास जब वो गए कि माँ माँ मेरा अपमान कर दिया माँ ने, तो मान अपमान उनकी सुनीति माँ ने समझाया, बेटा मान अपमान त्याग दे, कोई तेरा अपमान नहीं करता, कोई तेरा सम्मान नहीं करता, जा मान अपमान का त्याग करके मन भगवान में लगा, और जब मान अपमान से मन को हटाकर भगवान में मन लगाया तो उन्हें भगवान प्राप्ति होगी भगवान। और झगड़ा करो, तुमने हमारा अपमान किया हमारे बेटे का, हम भी तुम्हारा करेंगे, फिर करो झगड़ा, इसी में समय गुजरेगा, कोर्ट कचहरी भी जाना, तो ये करने आए हो क्या। बहिर्मुखी बनोगे तो बहुत झगड़े हैं, बहिर्मुखी इंसान कभी हंसता नहीं है, बहिर्मुखी इंसान कभी ठहाका नहीं लगाता, हमेशा ही रोता रहता, बहिर्मुखी है ना बाहर की तरफ देखता, अंतर्मुखी बनो, क्या बनो, अंतर्मुखी बनो।
बाहर की तरफ देखने नहीं, अपमान हो रहा है सम्मान। गुण दोष दृश्य दोषा, गुण दोष दोनों ही ठीक नहीं है। आप हमारी ज्यादा प्रशंसा करें वो भी अच्छा नहीं है, और आप हमारी ज्यादा निंदा, देखो आप हमारी निंदा करोगे तो भी हमें लगेगा लो हमारी निंदा कर रहे, तो हम आप हमारी निंदा करोगे तो फिर हम आप में ही उलझ जाएंगे, आपको सफाई देने लग जाएंगे, नहीं भाई ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, समय वेस्ट हो जाएगा। और आप हमारी प्रशंसा करोगे तो भी हम उलझ जाएंगे, भाई आप हमें अच्छा कह रहे हैं, हम भी सुनने लगेंगे बैठ के। तो प्रशंसा और निंदा, स्तुति और आलोचना दोनों ही बंधन है, ना तो स्तुति में उलझना ना तो आलोचना में उलझना, इन दोनों से आपको ऊपर उठना है। बोलो मेरी मां उठोगी, इन दोनों से ऊपर उठना, यही जब आप इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे ना तब ये जो तुम्हारा मनुष्य तन है ना फिर जीने का मजा है। अभी कहां मजा है, अभी आदमी जिंदगी जी नहीं रहा है, अभी तो रो रो के गुजार रहा। महाराज जी चल रही है, गुजर रही है, कोई आनंद मिला आपको जीवन में, पूरी जिंदगी रो रो के मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? क्योंकि तुम बहिर्मुखी थे, बहिर्मुखी हो और बहिर्मुखी मरोगे, अंतर्मुखी होके मरोगे ना तो मरना भी उत्सव बन जाएगा। जीना और मरना दोनों आनंददायक हैं, पर उनके लिए जो अंतर्मुखी है।